क्या शेयर मार्केट की कॉल लेना जरूरी है? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लोग थर्ड पार्टी कंपनीज पर भरोसा करके शेयर मार्केट की कॉल्स लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है। दोस्तों आज से 8 साल पहले मैंने भी एक थर्ड पार्टी कंपनी से शेयर मार्केट की कॉल्स लेना शुरू की थी। मेरे को मैसेजेस आते थे कि सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमसे कॉल लीजिए, हम आपको डेली का इंट्राडे कॉल देंगे, डेली की 2 कॉल देंगे, कभी कभी 3 कॉल भी देंगे, कभी कभी 1 कॉल से भी काम करवाएंगे। तो ऐसा वो लोग मुझे बोला करते थे। तो मुझे तो शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं था, मैंने तो कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, 8-10 साल पहले इतनी ट्रेनिंग देने वाले थे भी नहीं उस टाइम पर। तो मन था कि चलो शेयर मार्केट में एक लालच होता है ना कि चलो पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो ले ली थर्ड पार्टी कंपनी से कॉल। तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं कि वो 2 तरीके से आपसे चार्ज करते हैं। पहला तरीका कि वो उनका एक फिक्स रेट रहता है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो उनका पैसा फिक्स रहेगा महीने के, वो आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। और दूसरा तरीका है कि आपको प्रॉफिट कराएंगे तो उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे। तो ये 2 तरीके से होते हैं। तो कुछ लोग पहले वाले तरीके से चार्ज करते हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके वाले से चार्ज करते हैं, और कुछ लोग दोनों तरीके से चार्ज करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो लोग आपको डेली की 2 कॉल्स देते हैं, महीने में वो आपसे 20 दिन काम करवाते हैं, मतलब वो आपको कॉल देते हैं और वो कहते हैं कि मार्केट को देखते रहो, और वो सिर्फ इंट्राडे ही करवाएंगे, मतलब डेली का प्रॉफिट करवाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर उनको वाकई में इसकी नॉलेज होती ना तो वो कभी कॉल्स नहीं देते, वो इसका कोर्स बनाते और कोर्स लॉन्च करके बेचते, वहां से वो पैसा कमाते, ठीक है। तो वो उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, उनको पीछे से टिप्स आती हैं, वही टिप्स वो आगे प्रोवाइड करा देते हैं। किसी का लॉस हो किसी का प्रॉफिट हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो कभी भी इनके चक्कर में मत पड़ना। सबसे अच्छा तरीका है इसकी ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके इसको करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नॉलेज तो हो जाएगी। मेरी तरह वीडियो तो बना पाओगे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, आप भी अपने चैनल पे डालो तो फिर आप अपने यूट्यूब से भी कमा लोगे। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है, इसकी ट्रेनिंग लोगे तो ज्यादा संतुष्ट रहोगे। शेयर मार्केट की ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलेगी, बिना ट्रेनिंग के आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप यहाँ वहां इधर उधर की कॉल्स लेते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको उल्टा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग डेली की 2 कॉल्स देते हैं और उसमें ये आपको बोलेंगे कि मार्केट को देखते रहो। ये खुद नहीं खरीदेंगे, ये आपको बोलेंगे कि आप खरीदो, मतलब आपको बस बता देंगे, आपको सिर्फ टिप दे देंगे कि आपको फलानी कंपनी का शेयर खरीदना है, इतने रुपए के खरीद लो और इतने का स्टॉप लॉस लगा दो, इतनी क्वांटिटी खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा आपको करवा देंगे। आपको पता है ये लोग ना 5,000, ये पहले पूछेंगे भाई आपका क्या बजट है, आप कितना खर्चा कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप बोले भाई मैं तो 5,000 रुपए से ज्यादा लगा नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये बोलेंगे भाई 5,000 रुपए ही लगा दो, मतलब ये आपके 5,000 रुपए ही लगवा देंगे। हालांकि 5,000 रुपए से आप क्या क्या उसमें क्या कमाओगे, कुछ नहीं कमाओगे, इतनी तो ब्रोकरेज लग जाती है। 20-20 रुपए की तो ब्रोकरेज फिक्स रहती है, 10-15 रुपए पर ट्रेड, इतने रुपए तो वैसे लग जाता है, उसका टैक्स भी है, जीएसटी भी है, पता नहीं क्या 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 लगा के वो 20-25 रुपए बैठ जाता है। तो दोस्तों फिर इसमें ये रहता है कि वो आपसे 5,000 रुपए लगवा देंगे, 10,000 रुपए लगवा देंगे, कुछ भी शेयर्स खरीदवा दिया और बोलेंगे कि भाई मार्केट को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, वो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, वो सिखाएंगे नहीं आपको। चलो पैसे ले रहे हैं, ओ पैसे लगवा रहे हैं, बदले में वो आपको कुछ सिखाए तो सही। अब मेरे को कॉल आती थी तो मैं उनसे पूछता था भाई मेरे को सिखाओ भी तो सही, तो कहता सर आपको सीखने की क्या जरूरत है, जब हम आपको कॉल दे रहे हैं तो उस पर काम करो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट ही तो चाहिए हमें, क्या दिक्कत है। तो वो लोग कॉल्स देते हैं डेली की 2 कॉल 3 कॉल कभी 1 कॉल, तो ये क्या करते हैं कभी कभी तुक्का लग गया तो प्रॉफिट करवा दिया, ठीक है, और आपको लॉस भी करवाएंगे, तो लॉस भी हो जाएगा प्रॉफिट भी हो जाएगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। और उसमें क्या होगा, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है तो बराबर हो रहा है, मतलब ज्यादा थोड़ा सा लॉस करवा देंगे 1,000। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जिट कर गए, 1 महीने के बाद आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद या तो आपको 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा या फिर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्या फायदा, मतलब पूरा एक्चुअली मेन क्या है, मेन है टाइम, उन्होंने आपका टाइम खराब कर दिया, वो हमारा टाइम खराब कर देते हैं, असल में वो टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। हमसे वो 5,000-10,000 रुपए लगवा रहे हैं, किसी से 50,000 रुपए लगवा दिए, किसी से 1,00,000 रुपए लगवा दिए, किसी से 10,00,000 रुपए लगवा दिए, किसी का 50,00,000 भी लगवा दिया। अब भैया लालच है, अब आदमी सोचता है कि भाई मैं पैसा लगा करके कमा लूंगा तो क्या बुरा है, बुरा कुछ नहीं है, अच्छी बात है, पैसा लगा के कमा लो अच्छी बात है, बिजनेस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के भाई आप किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हो, आप उसको जानते हो नहीं,
मेरे को महाराष्ट्र से कॉल आ रहा है, गुजरात से कॉल आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मोस्टली ये गुजरात के और महाराष्ट्र वगैरह के लोग होते हैं ये, ठीक है। मतलब ये दो तीन चार सिटी है, एक दो सिटी और है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 8 साल पुरानी बात है। हालांकि कॉल्स मुझे अभी भी आती है क्योंकि मैंने अब शुरू कर दिया ट्रेडिंग करना, अब तो मैं सीख रहा हूँ, अब इसकी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मेरे अंदर अब इसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट जागा है। क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो पिछले 8 साल से मार्केट में काम कर रहा है और 8 साल में वो 56 लाख रुपए कमा चुका है। मतलब 3 साल तो उसने ट्रेनिंग में दिए थे, मतलब 5 साल में 56 लाख रुपए वो कमा चुका है। मेरा छोटा भाई है, मुझसे 6.5 साल छोटा है, 56 लाख रुपए वो मार्केट में कमा चुका है पिछले 5 सालों के अंदर अंदर। तो उससे मैं टिप्स वगैरह लेता रहता हूँ, मतलब मैं उससे पूछता रहता हूँ, तो वो मुझे बताता रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों इनकी बातों में मत आना, ये आपसे आपका 1 लाख 2 लाख रुपए लगवा देंगे, आपको लालच देंगे कि आप 1 लाख रुपए लगा दो, हम आपको डेली का 5 से 10 हजार रुपए कमवा देंगे, आपकी इतनी कमाई हो जाएगी। भैया कोई कमाई वमाई नहीं करवाते, हाँ करवाते हैं, मैंने बोला ना कभी कभी तुक्का लग जाता है, ये कमाई करवाते हैं लेकिन साथ ही साथ लॉस भी करवाते हैं। तो खराब क्या हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है, आपका ज्यादा पैसा खराब नहीं हुआ, 1, 2, 4, 5 हजार रुपए खराब हो गए, ठीक है, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं, पूरा महीना भाई आदमी 1 महीना तो करता ही है इस काम को जब वो कॉल देना शुरू करते हैं, क्योंकि 1 महीने का इनका पीरियड होता है, 1 महीने का इनका टाइम सेट होता है कि आप कम से कम 1 महीने तक करके देखो। भाई क्या फायदा, पूरा महीना खराब कर दिया। उस पूरे महीने में, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना इस बात को, उस पूरे महीने में अगर आप शेयर मार्केट की ट्रेनिंग ले लो बिना किसी लालच के, मतलब पहले दिन से ही वो करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आज अगर आपने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी है तो जो आज आपने सीखा है उस पर अगले दिन प्रैक्टिकल करो ना, क्या दिक्कत है। आज आपने 1 घंटा सीखा है, कल 1 घंटा प्रैक्टिकल कर लो। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आप दूसरे कामों में बिजी हो तो 1-1 घंटा निकालो, इतना ही बहुत है। मैंने काफी सारे लोगों से बात की है, काफी सारे लोगों ने वेबिनार अपना शुरू किया है, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, जब आप शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे तो वहां पे ना एड्स चलती है, इन स्ट्रीम एड्स चलती है, वो इन स्ट्रीम मतलब वीडियो के ऊपर जो एड प्ले होती है उसे इन स्ट्रीम एड बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो वेबिनार कर रहे हैं फ्री में कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उनके ना कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्स लोगों ने लॉन्च कर दिए जो कि बहुत ही अच्छे, काफी अच्छे वैल्यूएबल कोर्सेज हैं उनके, ठीक है। कोई 8 हजार का बेच रहा है, कोई 15 हजार का बेच रहा है, तो मतलब 10-15 हजार की रेंज में ये लोग कोर्स निकाला हुआ है। तो इन्होंने कोई लोग, मतलब कुछ लोग 100 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं, कुछ लोग 200 वीडियो उसमें डालते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं, उनको देखो, उसमें प्रैक्टिकल करो, उसमें प्रैक्टिस करो और ट्रेड करो, ट्रेडिंग करते रहो। देखो ट्रेडिंग करते रहोगे, कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तभी तो सीखोगे। देखो दोस्तों, कुछ बेचोगे, कुछ खरीदोगे, तभी सीख पाओगे। सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, सैकड़ों वीडियोस देख डालोगे, हालांकि नॉलेज उससे भी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, जुनून चढ़ेगा काम करने का, मन करेगा मैं भी करूं, ठीक है। जितनी चाहो उतनी नॉलेज गेन करो, जितनी नॉलेज ले पाओगे उतना सीख पाओगे और उतनी अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी कंपनी की कॉल ना लेकर के आप कोर्स खरीद लो ऑफलाइन में। अगर आप जा नहीं सकते, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते ऑफलाइन में, अगर टाइम नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो, सस्ता पड़ेगा। फिर इनके ग्रुप्स भी हैं, प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं, वो सब कुछ फ्री देते हैं, मतलब सही है। कुल मिला के कहने का मतलब वर्थ इट है, आपका पैसा वसूल है इसमें, तो आपका पैसा इसमें वसूल है। आप अगर ये 8-10 हजार रुपए का कोर्स खरीद लेते हैं तो उसपे उसको सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो, मार्केट में ट्रेडिंग करो, चार्ट्स को एनालाइज करो, कैंडलस्टिक चार्ट देखो, ठीक है, और जो लाइन चार्ट होता है उसको देखो। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको इससे प्यार करना पड़ेगा, शेयर मार्केट से ना खुद को जोड़ना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, आपको लव करना पड़ेगा इससे, आपको इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब आप इस पे फोकस कर पाओगे। वरना ऐसा लगेगा भारीपन कि मैं क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं इस चीज को, पैसा तो कमाना है लेकिन सीखना नहीं चाह रहे, वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी कोई करंटली जॉब कर रहे हो उसके लिए आपने कभी मेहनत की होगी? आपने तो नहीं सोचा मैं मुझे यही जॉब करनी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप दुकानदारी कर रहे हो, ढाबा चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, कोई कपड़े की दुकान खोल रखी है, या कोई फूड स्टॉल या कोई दुकान या चाय की दुकान, कुछ भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए भी तो आपने तैयारी की होगी ना। तो जब तैयारी की थी तब क्या आपका
उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं रहता इंटरेस्ट, बस उनको ये है कि भाई हमें पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए ही हमारे अंदर, हमको अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, तभी काम चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाता। और शेयर मार्केट तो भैया इतनी अच्छी चीज है भैया, फ्रीडम है इसमें, फ्रीडम, इतनी फ्रीडम है इसमें, क्या करना है, कोई बैठना थोड़ी है यार। सुबह 9:15 पे मार्केट खुलती है, 3:30 बंद हो जाती है, तो कोई जरूरी तो है नहीं। इंट्राडे करना है, डे ट्रेडिंग करनी है, तो बैठो तो देखो मार्केट को, देख लो, और पूरे दिन तो देखना नहीं है, पूरे दिन तो देखना नहीं है। अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया खरीद करके रख लो, डिलीवरी ट्रेडिंग करनी है तो खरीद करके रख लो, उसमें कोई मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, उसमें 1-2 घंटा देखने की जरूरत है, बाकी 3:30 मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद अपने मजे करो, उसके बाद थोड़ी सी चीजें सीख लो, कुछ न्यूज देख लो, पढ़ लो थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 घंटे और लगा दो, उसके बाद फिर अपना आराम से मस्ती करते रहो, ठीक है, घूमते फिरते रहो, तो फ्रीडम है। और इसमें जब मन हो पैसा कमाने का तब अपना खरीदारी कर लो, जब मन ना हो मत खरीदो, और खरीद करके रख लो, वो बढ़ जाता है बेच दो, अरे फ्रीडम ही फ्रीडम है इसमें, कहीं भी चले जाओ, घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉस का प्रेशर नहीं है, कोई किसी बॉस का कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, जॉब का प्रेशर, कोई अलग से कोई दुकान या किसी और बिजनेस का प्रेशर नहीं है। तो शेयर मार्केट को करने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ना कि थर्ड पार्टी कंपनीज की कॉल, थर्ड पार्टी कंपनीज पर विश्वास मत करो। अगर चलो एक एग्जांपल ले लो, थर्ड पार्टी कंपनीज आपको डेली कॉल दे रही है, वो आपको डेली प्रॉफिट करा रही है, कब तक प्रॉफिट करवा देगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, 6 महीने के बाद अगर प्रॉफिट कराना छोड़ दिया, और क्या गारंटी के लगातार प्रॉफिट कराएगी भैया, वो इंट्राडे करवाते हैं, डिलीवरी नहीं करवाते। कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो डिलीवरी करवाएंगे, मेरे साथ, मुझे तो डिलीवरी करवाई नहीं थी, मैंने 2 बार कॉल्स ली हैं, 2 बार भरोसा किया है, 8 साल पहले फर्स्ट टाइम किया, देन उसके बाद 1 साल बाद फिर से मैंने ट्राई किया, तो 7 साल पहले भी मैंने ट्राई किया, और दोनों बार में ही उन्होंने मुझे प्रॉफिट लॉस ही करवाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं करवाया, मेरा टाइम ही खराब करवाया है। हाँ, एक ये है कि मैं 1 महीने के अंदर में एग्जिट कर गया, 1 महीने से ज्यादा मैं टिका नहीं इसमें, क्योंकि दोस्तों उसमें मेरा टाइम खराब हो रहा था, और इतनी सिरदर्दी होती थी, और ये सिरदर्दी इसलिए भारी लगती थी क्योंकि मुझे ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, इस वजह से उसका वो भारीपन लगता था मुझे उस चीज, उस बिजनेस को लेके। तो कहने का मतलब यही है कि आप बिना किसी ट्रेनिंग के अगर शेयर मार्केट में घुसोगे तो गिरोगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गिर जाते हैं इसमें और अपना बहुत तगड़ा नुकसान करवा लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। ट्रेनिंग लो, सीखो, इसको सीखो, बिजनेस करना चाहते हो ना तो सीखो। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, भैया जुआ नहीं है, हर वो काम जुआ है जिसकी नॉलेज नहीं है, और जिसकी नॉलेज है वो बिजनेस है। तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग का मतलब कि भाई हमने कोई सामान सस्ते में खरीदा और उसको महंगे रेट में बेच दिया, एज इट इज बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा 1 हफ्ते बाद बेच दिया, आज खरीदा 1 महीने बाद बेच दिया, उसका रेट बढ़ने पे बेच दिया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। और ये तो ऑफलाइन में भी होती है, तो ट्रेडिंग तो ऑफलाइन में ही होती थी, पेपर ट्रेडिंग होती थी पहले, जब से इंटरनेट आया तब से तो ऑनलाइन हुई है, तब से तो उसको जुए का नाम दिया, पहले तो कोई जुआ नहीं बोलता था, ऑफलाइन में तो कोई जुआ नहीं बोलता था। अपना सोचने का नजरिया बदलो, लोग ना खुद को खुद ही बेवकूफ बना रहे हैं मार्केट में। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, शेयर मार्केट को जुआ 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 बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ना इसको कभी जुआ नहीं बोलते, ये सारे अनपढ़ गंवार लोग जो समझदार नहीं है वो इसको जुआ बोलते हैं, क्योंकि समझना नहीं चाहते ना, सिरदर्दी वाला काम लगता, मेहनत पड़ती है, तो भाई मेहनत है तो पैसा भी तो है। ये शेयर मार्केट ने ना लोगों को करोड़पति बनाया, अरबपति भी बनाया, राखी झुंझुनवाला को देख लो, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इससे करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। एक टाइम देना होता है इसमें, आप साल भर दे दो, 1 साल बाद भी आप करोड़पति बन सकते हो अगर आप लग करके काम करोगे तो, विद ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग नहीं। अगर आप बिना ट्रेनिंग के करोगे तो जुआ है, बिना ट्रेनिंग के तो जुआ ही है ना। आपको क्या पता, आपको किसी शेयर के बारे में कुछ पता थोड़ी है भाई, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा कुछ पता थोड़ी है। ट्रेनिंग के साथ करोगे तो बिजनेस है। आप बाहर 100 किलो बादाम खरीद लो,
100 किलो बादाम, बादाम आपने 1 लाख रुपए के खरीद लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मुझे उसका बादाम का भी रेट पता नहीं, शायद मार्केट में 700 रुपए किलो कुछ चल रहा होगा, 700-800 रुपए किलो कुछ चल रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लो कि 1 लाख रुपए के आपने 100 किलो या 500 किलो बादाम खरीद लिए, 100 किलो खरीद लिए, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक हफ्ते बाद आपको कोई खरीदार मिल गया तो आपने उसको 1.25 लाख रुपए में बेच दिया या 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो ये क्या है, ये ट्रेडिंग है। आपने सारा माल खरीदा और सारा का सारा एक आदमी को बेच दिया, इसे कहते हैं ट्रेडिंग, ऑफलाइन ट्रेडिंग। और ऐसे ही आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो हम शेयर मार्केट में करते हैं, हम यही तो करते हैं कि भाई कोई भी कंपनी का, किसी अच्छी सी कंपनी का, ऐसे नहीं किसी भी कंपनी ने कुछ भी खरीद लिया, नहीं, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपने किसी अच्छी सी कंपनी को देखा, उसके बारे में, उसके फंडामेंटल्स को देखा, उसके चार्ट्स को देखा, उसकी सारी चीज को देखा, देन उसके बाद उस कंपनी का थोड़ा सा माल खरीद लिया, मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके हिसाब से उस कंपनी का माल खरीद लिया, जैसे वो शेयर्स बढ़ गया आपने थोड़ा सा वेट किया, डिलीवरी में करना ही है, इंट्राडे में भी कर सकते हो, आपने थोड़ा सा वेट किया, एक हफ्ते का वेट किया, उसके बाद जब वो मार्केट बढ़ गई, वो शेयर्स बढ़ गया, बेच दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, 1 लाख रुपए का माल 1.25 लाख में बेच दिया या 1,10,000 में बेच दिया, मतलब आपको लग रहा है कि सही पैसा मिल रहा है तो बेच दो। तो यही करना होता है मार्केट में, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग करना, सही वे में ट्रेडिंग करना। ऑफलाइन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑनलाइन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में जगह जगह ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है। अब कोई सब्जी खरीद के ला रहा है, कोई चावल खरीद के ला रहा है, कोई दाल खरीद के ला रहा है, कोई कुछ खरीद के ला रहा है, सस्ते में खरीद के ला रहा है, महंगे रेट में बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, ये ऑफलाइन करने का तरीका है। और ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फलाना कंपनी का शेयर खरीद लिया, सस्ते में खरीद लिया, गिरती मार्केट पे खरीद लिया, शेयर सस्ता हो गया, मतलब उसका रेट कम हो गया, खरीद लिया, जब बढ़ गया तो बेच दिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग है। और इस काम को अगर ट्रेनिंग के बाद करोगे तो ज्यादा चांस रहेंगे पैसा कमाने के। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो कमाते ही नहीं है, वो भी कमाते हैं, क्योंकि उनका तुक्का लग जाता है, उनका तुक्का लग जाता है कहीं कहीं पे। अब मार्केट तो बढ़ी जा रही है, सारे शेयर्स बढ़े जा रहे हैं, फिर तो भैया जिसको जीरो नॉलेज है वो भी कमाएगा, लेकिन जिसको नॉलेज है वो उसका 100 गुना तक कमा सकता है इसमें। इसमें इतना पैसा है ना, इसमें अंधा पैसा है, अंधा मतलब बिल्कुल ही अनलिमिटेड पैसा है, जितना तुम खींच सको खींच लो, लेकिन विद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के साथ ही शेयर मार्केट से पैसा खींच सकते हो, और बिना ट्रेनिंग के नहीं खींच सकते। तो कॉल्स वॉल्स किसी की मत लेना, किसी भी कंपनी के कॉल्स मत लेना, मैं बता रहा हूं वो आपको घाटा करवाएंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे, आप बहुत ही मायूस हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा पैसा लगाने का। इसीलिए कभी भी किसी की कॉल्स मत लेना, बहुत सारे लोगों का पैसा खराब करा इन लोगों ने, बहुत बकवास लोग होते हैं ये, और पीछे पड़ जाएंगे, नहीं सर आप 5,000 रुपए लगा दो, वैसे तो कोशिश करेंगे कि 1 लाख रुपए तक लगा दो, लेकिन अगर आप बोलोगे ना हमारे पे पैसा नहीं है तो बोलेंगे 5 से ही शुरुआत कर दो, ये ऐसे करवाते हैं लोग। तो कभी भी इनकी कॉल्स मत लेना, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, कभी जिंदगी में सलाह नहीं दूंगा कि थर्ड पार्टी कंपनीज की कॉल लेकर के काम करो, नहीं, कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लो और कोर्स खरीद करके इस काम को करो, ठीक है। मैंने कोर्स खरीदा नहीं है, लेकिन मैंने काफी नॉलेज इसकी ले ली है, अब मैं इस कोर्स को खरीदने जा रहा हूं, अभी मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इस कोर्स को खरीद लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोर्स खरीदा है, उस कोर्स में क्या क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको अनलिमिटेड वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे मैं आपको खुद से ट्रेनिंग दूंगा, फ्री ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपको सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप 1,000 रुपए लगा करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, और वो सही है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है पहले, तो हम लोगों को पहले सीखना है, इसमें सबको आना चाहिए, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सबको आना चाहिए। एक भाई साहब हैं वो अपनी बेटी को शेयर मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनकी बेटी मात्र 6 साल की है, 6 साल की उम्र में वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उसमें मैंने देखा वो 6 साल की बेटी को शेयर मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर मार्केट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, ब्राइट ऊपर जाएगा, ऊपर बहुत ऊपर जाएगा।
आज के टाइम में इंडिया में जो शेयर ट्रेडर हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो लगभग 10 लाख हैं, 10-15 लाख हैं, और जनसंख्या कितनी है, लगभग 150 करोड़। तो आने वाले 4-5 सालों में ये 1 करोड़ पहुंच जाएंगे, मतलब बहुत सारे ट्रेडर इसमें बढ़ जाएंगे। तो मतलब आप कमा के ही निकलोगे, चाहे लोग कम हों चाहे लोग ज्यादा हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इसमें आप थोड़ा कमाओ ज्यादा कमाओ, कमाओगे ही कमाओगे। शेयर मार्केट में अनलिमिटेड कमाई है, तो बस घुस जाओ, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। गारंटेड 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद डेली का कम से कम 500 रुपए कमा के निकलोगे, 15,000 रुपए महीने का 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, और 1 महीना और दे दोगे तो 1,000 रुपए कमा करके निकलोगे। कोई फिक्स नहीं है, हो सकता 5,000 रुपए डेली कमा के निकलो। जब आप 500 रुपए कमा रहे हो तो 5,000 भी तो कमा सकते हो, अमाउंट ही तो बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट ही तो बढ़ाना है। आपने चीज सीख ली, आपने चीज पकड़ ली, आपने उसको पकड़ लिया क्या भैया ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा कर रहा हूं तो मैं 1,000 रुपए कमा पा रहा हूं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है। वहीं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती तो क्या आप 1,000 कमाते, आप 10,000 कमाते, 1,00,000 कमाते। तो यही सारी चीजें हैं, शेयर मार्केट से कमाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, यूट्यूब चैनल खोल लो, जितना सीखोगे वीडियो बना के अपलोड करो, वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी, यूट्यूब से भी पैसा आएगा जैसा मैं कर रहा हूं। ये मेरा तरीका है करने का। ब्लॉग बना लो, लिखना जानते हो, लिखना अच्छा लगता है, ब्लॉग बना लो, आर्टिकल्स पोस्ट करो, गूगल मोनेटाइज कर देगा, वहां से पैसा आएगा, वहां से तो 10-20 गुना और तगड़ा पैसा मिलता है यूट्यूब के मुकाबले। तो ये सारी चीजें करना शुरू करो, बिजी हो जाओ, बिजी मजा आएगा, इसको करने में मजा आएगा भैया। अनलिमिटेड कंटेंट है, अनलिमिटेड नॉलेज है शेयर मार्केट की, ले डालो जितना इसको ले सकते हो ले डालो, और इस पर काम करना शुरू कर दो, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा तुम्हारा, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। शेयर मार्केट को अच्छे से सीख डालो, डेली प्रैक्टिस करो, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा देना है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा पूरी दिन इस पर काम करो, मैं ये नहीं कह रहा बुक्स पढ़ो, ये करो वो करो, फलाना वीडियो देखो, ये वो, पागल हो जाओ उसमें, नहीं, पागल होने की जरूरत नहीं है, वो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा इसमें। जो लोग इसमें खचड़ पचड़ सी करते रहते हैं ना, खचड़ पचड़ मचाते हैं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ये कर लूं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते। 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम दो, जैसे जैसे काम बढ़ेगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो इतना ही देना पड़ता है इसमें, इससे ज्यादा नहीं। फिर प्रैक्टिस करनी होती है, ट्रेडिंग करनी होती है, कमाओ अपना। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना बहुत है, बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, टाइमिंग मेरे को शो हो रही है मेरे कैमरे में। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना और शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें, ठीक है। और अगर मोटिवेशन मिला तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें मेरे से सीख मिलेगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा, मैं तुम्हें खींचूंगा, आओ शेयर मार्केट में आओ, करो इसमें काम, मैं तुम्हें इसके लिए मोटिवेट करूंगा, तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी तक के लिए इतना ही है, आगे और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।